होता है हम लड़कियों के साथ इतना अत्याचार, राजगद्दी पर बैठकर आखिर क्या कर रही है ये सरकार? जब होती है किसी लड़की की जुबा खामोश, क्यों हो जाती है उस वक्त ये सरकार बेहोश? क्या आज़ादी के बाद भी नहीं है हम लड़कियां आज़ाद? और अगर है तो क्यों कर रहे हैं लोग हमारी जिंदगी बर्बाद? हाय फ्रेंड्स, मैं आयशा आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ अपनी स्वरचित कविता जिसका नाम है दामिनी। क्यों महसूस कर रही थी उस रात में खुद को इतना अकेला? क्यों छा गया था उस भीड़ में भी इस दिल पर गमों का मेला? ऐसा लग रहा था जैसे आ गई है मुझ पे कोई बहुत बड़ी मुश्किल, सब कुछ भूल कर अपना रास्ता भटक गया था ये दिल। कुछ लोगों ने इस दिल को बहुत दर्द पहुंचाया था, हाँ उस काली अंधेरी रात में मेरी इज्जत पर दाग लगाया था। ये दिल बस दर्द की गहराई में डूबता जा रहा था, उस मिले दर्द और हो रही तकलीफों से किसी शीशे की तरह टूटता जा रहा था। मौत और जिंदगी से लड़ रही थी मैं, और जीनी है मुझे जिंदगी, वेंटिलेटर पर लेट कर ये तपस्या कर रही थी मैं। मुझे भी तो बहन बेटी माँ और बहू का फर्ज अदा करना था, मुझे भी तो झांसी वाली रानी की तरह अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ना था। अब मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई थी और ये दामिनी थी खुदा की हो गई थी। मरते दम तक दिल में एक चुभन थी और मन में था सवाल, अगर मैं चली गई तो क्या होगा मेरे माँ और पापा का हाल? कौन उनके आंगन को फूलों से सजाएगा? कौन घर के आंगन में नन्ही चिड़िया बनकर पापा को बैडमिंटन खिलाएगा? यही थे मेरी जिंदगी के आखिरी पल जो लिखे जाएंगे शायद इतिहास के पन्नों में कल। अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लगी हो तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।